और क्या रोगों में काम आती है। अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषधि है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये पांच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना, ये वात का रोग है। हड्डियों में, जॉइंट्स में दुखना, ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मंडके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया, एक चम्मच रात को एक गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है, मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रूप में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है। 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी, मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए, दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर पुदीना खाने से क्या फायदा? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना भी पहुंच रहे। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए, लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है, ठीक है। अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार में जीवन कल्प शुरू करके मिट्टी का दाना, गोमूत्र और देसी गाय के द्वारा डसी आती है, हाँ ले सकते हैं। गायत्री परिवार की मिलती बाजार में, वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में, सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए,
और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, ऐसी छाव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा, डिब्बे में भर के रख लीजिए, इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है, आप चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको एक थेम कान में डाल दें, एक ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाएगा, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाएगा, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग, और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए, थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ, कान नीचे करते ही दाना निकल गया, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है, पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती, ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके ये 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, साइड नाखून है, उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए, और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए, इधर 3-4 दाने रखिए टेप बांध दीजिए, इधर रखिए टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में, जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 5-4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिर दर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिर दर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी, अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए, 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो, जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करेगा। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है, और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप, 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा, जहां भी दर्द हो रहा है।
जहां भी दर्द हो रहा, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।